मेरे सेकेंड ईयर में आज देखेंगे थ्योरम ऑन लिमिट्स ऑफ फंक्शंस, थ्योरम ऑन लिमिट्स ऑफ फंक्शन। तो पहला है सम। अगर आपके पास दो फंक्शन है, आपके पास ठीक है एफ और जी दो फंक्शन है एक्स का, टू फंक्शंस ऑफ एक्स, और इसका जो लिमिट है एफ का, लिमिट एज एक्स अप्रोचेस ए एफ ऑफ एक्स, अगर इसकी वैल्यू है एल, और इसी तरह ये जो दूसरा है जी का, लिमिट एज एक्स अप्रोचेस ए जी ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू है एम। तो जब आप इन दोनों का सम लेंगे, लिमिट एज एक्स अप्रोचेस ए एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट एज एक्स अप्रोचेस ए जी ऑफ एक्स, तो आप देखिए जब आप इनका सम लेंगे तो सिंपल आप क्या करेंगे, हर एक फंक्शन के ऊपर आप अलग अलग लिमिट अप्लाई करेंगे। सो लिमिट एज एक्स अप्रोचेस ए एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट एज एक्स अप्रोचेस ए जी ऑफ एक्स। अभी आप इनकी सिंपल वैल्यू रखें, इसकी वैल्यू थी एल और इसकी वैल्यू थी एम। तो ये इस तरह जो है सम का आपने जो है वो लिमिट लेना है। इसी तरह जो इसका पहले मैं इसके एग्जांपल करूंगा, फिर इंशाल्लाह वो डिफरेंस की तरफ मूव कर दे, ठीक है। जो सम है इसका मैं एक एग्जांपल करता हूं, तो इसकी आप एग्जांपल देखें। आपके पास जो है वो एग्जांपल है, फाइंड लिमिट ऑफ, तो अगर आप वो आपसे कहते कि जो है आपने इसका जो है ये जो फंक्शन है आपने इसका जो है वो लिमिट मालूम करना है, ठीक है। तो लिमिट आपके पास है, फाइंड लिमिट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव एक्स, ठीक है, इफ एक्स अप्रोचेस टू। फाइंड लिमिट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव एक्स इफ एक्स अप्रोचेस टू। तो सबसे पहले आप लिखेंगे लिमिट इज एक्स अप्रोचेस, आप देखें एक्स किसको अप्रोच कर रहे हैं, टू को। सो आपके पास जो फंक्शन है वो है एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव एक्स। आप देखें यहां पर दो टर्म है, दरमियान में प्लस है, इसका मतलब है यहाँ पे जो सम थ्योरम है वो आप अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस फंक्शन के ऊपर अलग लिमिट अप्लाई करें, इस फंक्शन के ऊपर आपने अलग लिमिट अप्लाई करना है। सो लिमिट इज एक्स अप्रोचेस टू एक्स स्क्वेयर, इसके ऊपर अलग प्लस, फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखें ये कॉन्स्टेंट मल्टीपल है, आप देखें ये जो फाइव है ये कॉन्स्टेंट है, ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसमें लिमिट में थ्योरम है कि जब एक कॉन्स्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो तो आपने क्या करना है, कॉन्स्टेंट को जो है आप लिमिट से बाहर रखिए और लिमिट से वेरिएबल के ऊपर आप अप्लाई करेंगे। तो ये फाइव जो है ये एज इट इज, सो लिमिट इज एक्स अप्रोचेस टू, आपने भी एक्स के ऊपर लिमिट अप्लाई करना है। अभी आप अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट, तो जहां जहां पे एक्स है उसकी जगह आपने टू रखना है, तो यहां पे रखेंगे टू स्क्वेयर प्लस ये फाइव एज इट इज, और यहां पे आप एक्स की जगह क्या रखेंगे, टू, तो ये बन जाएगा फोर और ये बन जाएगा टेन इज इक्वल टू फोर्टीन। तो ये इसका रिजल्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा जब आप लिमिट का जो है सम निकालेंगे। इसी तरह सेकेंड मूव करेंगे, ठीक है, जो सेकेंड थ्योरम है, तो सेकेंड थ्योरम है वो डिफरेंस का। तो फर्स्ट करते हैं आपके पास जो है दो फंक्शन है, तो डिफरेंस ये इसका सेकेंड थ्योरम है। तो सेकेंड थ्योरम आपके पास फर्स्ट करते हैं, लेट एफ एंड जी बी टू फंक्शंस ऑफ एक्स। आपके पास जो f है और g है ये दो जो है x का जो है वो दो फंक्शंस है। तो पहले f का जो लिमिट लेंगे इज x, x अप्रोचेस a f ऑफ x, फर्स्ट करते हैं इसकी वैल्यू है l, इसी तरह लिमिट इज x अप्रोचेस a g ऑफ x, फर्स्ट करते हैं इसकी वैल्यू है m। तो जब आप दोनों फंक्शन का डिफरेंस लेंगे, लिमिट इज x अप्रोचेस a f ऑफ x माइनस g ऑफ x, तो आप देखिए आपने दोनों का डिफरेंस लिया। अभी आप क्या करेंगे, लिमिट दोनों फंक्शन के ऊपर आपने अलग अलग लिमिट अप्लाई करना है। सो लिमिट एज एक्स अप्रोचेस ए एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट एज एक्स अप्रोचेस ए जी ऑफ एक्स, सिंपल आपने दोनों की वैल्यू रखनी है, इसकी वैल्यू है एल और इसकी वैल्यू है एम, तो ये डिफरेंस हो। अभी एक एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो और इसके ऊपर मैं यही अप्लाई करूंगा। तो एग्जाम्पल करते हैं डिफरेंस की, तो अगर आप एग्जाम्पल ले, फाइंड लिमिट ऑफ, तो आपने इसका जो है आपने लिमिट मालूम करना है। एक्स स्क्वेयर
माइनस 4x इफ x अप्रोचेस, इफ x अप्रोचेस 5। ठीक है, तो अभी आप देखें ये दो फंक्शन दो टर्म है आपके पास जो है, दोनों जो है दो टर्म है जिस जिस दरमियान में डिफरेंस है। तो जो आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे, सो लिमिट एज एक्स अप्रोचेस 5, सो सबसे पहले ये फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है, अभी आप देखिए डिफरेंस रूल अप्लाई करेंगे, जो प्रोडक्ट डिफरेंस रूल है थ्योरम लिमिट का, तो इसके ऊपर आप अलग लिमिट अप्लाई करेंगे और इसके ऊपर आप अलग लिमिट अप्लाई करेंगे। सो लिमिट इज एक्स अप्रोचेस 5 एक्स स्क्वायर माइनस, अभी आप देखिए 4 जो है ये मल्टीपल है, कोफिशियंट है ये x का, मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, उसको कहते हैं कांस्टेंट मल्टीपल। तो जब भी इस किस्म के केसेस आ जाए तो आपने कांस्टेंट को बाहर रखना है, लिमिट सिर्फ आपने वेरिएबल के ऊपर अप्लाई करना है। सो लिमिट इज x अप्रोचेस 5, ठीक है, ये जो 4 है इसको आप बाहर रखिए लिमिट से, और आप लिमिट अप्लाई करें वेरिएबल के ऊपर। तो अप्लाइंग लिमिट, तो जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे आप देख सकते हो जहां पे x इसकी जगह 5 रखें, माइनस ये 4 एज इट इज इसकी जगह 5 रखें, तो ये बन जाएगा 25 माइनस 25, तो ये इसका रिजल्ट है, ये हुआ डिफरेंस। अभी मूव करते हैं प्रोडक्ट की तरफ, तो जब प्रोडक्ट की तरफ मूव करेंगे, ये थर्ड है, ठीक है, ये थर्ड थ्योरम है। तो सेम इसी तरह फर्स्ट कहते हैं कि दो फंक्शन है, इफ एफ एंड जी बी टू फंक्शन, टू फंक्शंस ऑफ एक्स, अगर इनका जो लिमिट है, लिमिट एज एक्स अप्रोचेस ए एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू है एल, और इसी तरह एंड लिमिट एज एक्स अप्रोचेस ए जी ऑफ एक्स, और इसकी वैल्यू है एम। तो जब आप दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, लिमिट एज एक्स अप्रोचेस ए एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ठीक है, जब आप इनका प्रोडक्ट लेंगे तो सिंपल आप क्या करेंगे, हर एक के ऊपर आपने अलग अलग लिमिट अप्लाई करना है, लिमिट एज एक्स अप्रोचेस ए एफ ऑफ एक्स इंटू लिमिट एज एक्स अप्रोचेस ए जी ऑफ एक्स, सिंपल अभी आप इनकी वैल्यू रखें, इसकी वैल्यू थी एल और इसकी वैल्यू थी एम, तो ये प्रोडक्ट है जो आप प्रोडक्ट लेंगे। अभी एक एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो, ठीक है, तो एग्जाम्पल में आप देखें जो प्रोडक्ट है उसकी मैं एग्जाम्पल करता हूं। ठीक है, ये प्रोडक्ट की एग्जाम्पल है, तो इसमें फर्स्ट करते हैं फाइंड लिमिट ऑफ, आपके पास दो फंक्शन है, ठीक है, तो जब आप उनका एक्स प्लस 5 इंटू और दूसरा है एक्स माइनस 2, इफ एक्स अप्रोचेस 1, ठीक है, तो अभी आप देखें ये प्रोडक्ट की सूरत में है, तो जब आप उनका लिमिट लेंगे, लिमिट एज एक्स अप्रोचेस 1 एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2, तो आपने क्या करना है, प्रोडक्ट रूल के मुताबिक हर एक जो फैक्टर है उनके ऊपर आपने जो है अलग अलग लिमिट अप्लाई करना है। सो लिमिट इज एक्स अप्रोचेस 1 एक्स प्लस 5, इसी तरह लिमिट इज एक्स अप्रोचेस 1 एक्स माइनस 2, अभी आप अप्लाइंग लिमिट, तो जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो जहां पर एक्स की जगह आप 1 रखें तो 1 प्लस 5 और यहां पे 1 माइनस 2, तो ये बन जाएगा 6 और ये बन जाएगा माइनस 1, तो दोनों का रिजल्ट आएगा माइनस 6, तो ये हुआ प्रोडक्ट। अभी मूव करेंगे क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन ये फोर्थ है, तो फर्स्ट करते हैं लेट एफ एंड जी बी टू फंक्शंस, ठीक है, तो आपके पास एफ ऑफ एक्स जो है एज एक्स अप्रोचेस ए एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू एल, एंड जी ऑफ एक्स लिमिट
एज एक्स अप्रोचेज ए जी ऑफ एक्स, फर्स्ट करें इसकी वैल्यू है एम, तो अगर ये लिमिट एज एक्स अप्रोचेज ए एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, ये सर अगर क्वेश्चन की फॉर्म में है तो आप क्या करेंगे, जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो हर एक न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के ऊपर आपने अलग अलग लिमिट अप्लाई करना है। याद रखिए जो आपका डिनोमिनेटर वो जीरो नहीं होनी चाहिए। तो लिमिट इज एक्स अप्रोचेज ए एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय लिमिट इज एक्स अप्रोचेज ए जी ऑफ एक्स, जिसमें याद रखिए कि जी एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए क्योंकि डिवीजन बाय जीरो इज नॉट अलाउड। अगर आप जीरो से डिवाइड करेंगे वो इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, आप रियल वैल्यू फंक्शन पढ़ रहे हो। तो अभी आप सिंपल इनकी वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू थी एल और इसकी वैल्यू है एम, और दूसरी बात आप देखिए डिनोमिनेटर जीरो नहीं होनी चाहिए, मतलब एम को जो है वो जीरो के बराबर नहीं आनी चाहिए। तो ये एग्जांपल है, ये थ्योरम है क्वेश्चन की। अभी एक क्वेश्चन के एक एग्जांपल करें ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। तो क्वेश्चन के भी एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। तो आपने क्या करना है, फाइंड लिमिट ऑफ, तो एक एग्जांपल है उसमें 5x plus 7 डिवाइडेड बाय x minus 5 इफ x अप्रोचेस, इफ x अप्रोचेस 3, ठीक है। तो ये देखें ये क्वेश्चन की सूरत में है, तो जब आप इसका लिमिट देंगे सो लिमिट इज x अप्रोचेस 3 5x plus 7 डिवाइडेड बाय x minus 5। तो क्वेश्चन थ्योरम के मुताबिक आपने क्या करना है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर आप दोनों के ऊपर अलग अलग लिमिट अप्लाई करेंगे। सो लिमिट इज एक्स अप्रोचेज 3 5x प्लस 7 डिवाइडेड बाय लिमिट इज एक्स अप्रोचेज 3 x माइनस 5, ठीक है। अभी आप अप्लाइंग लिमिट, जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे आप देखिए जहां पे x इसकी जगह 3 रखेंगे, सो 3 5 इंटू 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाय यहाँ पे जो है 3 माइनस 5, तो ये बन जाएगा 15, ठीक है, और 15 प्लस 7 जो है ये बन जाएगा 22 डिवाइडेड बाय यहाँ पे बन जाएगा माइनस 2, तो ये माइनस 11 इसका रिजल्ट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।